फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे से होंगे। गर्मा गर्म बनारसी चाट की रेसिपी लेकर के आई हूँ। टमाटर चाट की रेसिपी है, खाने में तो टेस्टी हेल्दी है ही, साथ में बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए, इसके लिए मैंने लगभग 250 ग्राम बॉयल आलू लिए हैं। आलू को मैंने बॉयल कर लिया था, उसमें मैंने चॉप किए हुए हरी मिर्च डाले हैं, साथ में ही मैंने ग्रेटेड जिंजर डाला है और मैंने साथ में ही बारीक कटे हुए धनिया पत्ते डाले हैं। और अब मैं बारीक चॉप थोड़ा सा अनियन मिला दूंगी। अनियन मैंने 2 टेबल स्पून मिलाया है, साथ में ही मैंने आमचूर पाउडर लिया है 1/2 टी स्पून और मैंने चाट मसाला 1/2 टी स्पून लिया है। साथ में ही मैं प्लेन सॉल्ट मिलाऊंगी और थोड़ा सा मैं इसमें ब्लैक सॉल्ट मिलाऊंगी, जिसे काला नमक भी कहते हैं। सबों को हम अच्छी तरह से मिला कर मैश करके रख लेंगे आलू के साथ। इसमें मैंने थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर भी मिलाया है और लाल मिर्च पाउडर, अगर आपकी इच्छा हो तो आप मिलाएं, अन्यथा नहीं भी मिला सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें ग्रीन चिली डाली है। और अब मैं टमाटर के ऊपर के सर के हिस्से को थोड़ा काट लूँगी और अंदर से स्कूप करके इसके गूदे को मैं निकाल दूँगी। अगर आपके पास स्कूपर नहीं है तो आप चम्मच से भी निकाल सकते हैं, उससे भी आसानी से निकल जाएंगे, या फिर आलू छीलने वाले जो होते हैं उससे भी अच्छे से अंदर से स्कूप होके निकल जाते हैं। और देखिए, अब हमने जो स्कूप करके गूदा निकाला था और वो जो कैविटी बन गई थी, उसमें मैंने अपने आलू के मैश पोटैटो को, जिसमें हमने सारे इन्ग्रीडियंट्स मिलाए थे, उसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद मैंने अपने टमाटर में फिल कर दिया है। और इसी तरह से मैं बाकी सारे टमाटर को भी अंदर से स्कूप कर लूँगी और स्कूप करने के बाद मैं इसमें भी अपने पोटैटो को भर दूँगी, मैश पोटैटो। हमें टमाटर के गूदे को फेंकना नहीं है, बल्कि इसी से हमें चटनी बनानी है, जिसे हम चाट में ऊपर से डालेंगे। और हमें हाथ से दबा दबा के अच्छी तरह से टमाटर में फिल करना है, जिससे कि अच्छी तरह से हमारे टमाटर पूरी तरह से आलूओं से अच्छी तरह से भरे। और साथ में मैंने पैन को कैसे फिल करके रख लिया है और मैंने टमाटर के जो गूदे निकले थे उन्हें भी साइड में अलग करके रखा है। अब मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैंने 1 टेबल स्पून भर के प्योर घी डाला है। इसे प्योर घी में ही बनाइएगा। अगर आप प्योर घी नहीं खाना चाहते हैं तब आप कोई भी नॉर्मल ऑयल ले लीजिएगा रिफाइंड, उसमें बनाइए। और उसके बाद मैंने उसमें हल्का सा नमक डाल के साइड पर कर दिया है, जिससे कि हमारे टमाटर थोड़े से अच्छी तरह से गलने लगे। और इस साइड में मैंने एक छोटा पैन रखा है, इसमें मैंने जो जितने भी टमाटो के अंदर के गूदे निकले हैं स्कूप करके, उसे मैंने इसमें डाल दिया है छोटे पैन में। थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और मैं इसमें लगभग 6 टेबल स्पून मैंने इसमें शुगर डाला है। अगर बड़े चम्मच से बात करें तो आप 2 टेबल स्पून भर कर इसमें शुगर मिलाइए। और थोड़ा सा पानी, सॉल्ट मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालूंगी, जिससे कि इसका कलर बहुत ही अच्छा आ जाएगा, और थोड़ा सा जीरा पाउडर। और अब मैं इसे हल्के आंच पर रख के पकाऊंगी, जिसमें कि ये हमारी मीठी चटनी तैयार हो जाए। और इसे हमें चाट के ऊपर डाल के सर्व करना है। और अब मैंने उसे साइड में कर दिया है। और देखिए, इधर मैंने टमाटो को इधर ले लिया है, हमारे टमाटर अब पूरी तरह से गलने स्टार्ट हो गए, पकने के प्रोसेस पर आ गए। हमें इसी तरह से ढक ढक के पकाना है, जिससे कि टमाटर तो पके ही और में एक अच्छा सा फ्लेवर टेस्ट भी आए, और आलू भी अंदर वाले पके, वो ऑलरेडी बॉयल थे फिर भी उस पर अच्छा फ्लेवर आएगा। देखिए, अब हमारे टमाटो अच्छी तरह से पक गए हैं और इन्होंने थोड़ा थोड़ा पानी भी रिलीज कर दिया है। हमें जो भी उसके कवर ऊपर में दिखेंगे उसे इस पलटे की सहायता से निकाल लेंगे, जिससे कि वैसे भी टमाटो अभी बहुत जल्दी पक जाते हैं और उनकी स्किन भी बहुत पतली होती है, क्योंकि सीजन वाले टमाटो हैं। इसमें मैंने फिर से थोड़ा सा अदरक डाला है, थोड़ा सा मैंने अनियन डाला है चॉप्ड, थोड़ी सी मैंने ऊपर से धनिया पत्ती और ग्रीन चिली और डाली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ग्रीन चिली अगर ऐड करना चाहें तो करिए, अगर ज़्यादा तीखी लगे तो नहीं भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च और जीरा पाउडर डाल दूँगी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। हमने ऑलरेडी भी डाले हैं, इसलिए आप अंदाज से ही डालिए। थोड़ा सा यहाँ पर चेक कर लीजिए, अगर आपको
काला नमक या नमक का फ्लेवर कम लगे तो थोड़ा सा आप इसमें मिला सकते हैं। अब मैंने सबों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो पोटैटो मिक्सर से भी इसे मैश कर सकते हैं, लेकिन मेरे टमाटर और आलू बहुत ही अच्छी तरह से बिल्कुल मैश्ड हो गए थे और अच्छी तरह से पक गए थे। मैंने इन्हें ढक के थोड़ा सा और 2 मिनट के लिए छोड़ दिया है। अब मेरे चाट सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए। मैंने इसमें थोड़ा सा क्रश करके ब्लैक पेपर मिलाया है, ये आपकी इच्छा के ऊपर है, क्योंकि ऑलरेडी ये थोड़े तीखे हो जाएंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो डालिए, अन्यथा नहीं भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब मैंने इसे अपने प्लेटर में सर्व कर दिया है। बनारस में इसे मिट्टी के खूब सुंदर छोटे छोटे सकोरे में सर्व करते हैं, इसलिए मैंने अपने इस प्लेटर में सर्व किया है। अब मैं इसमें चॉप्ड अनियन डाल दूँगी, थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर, और साथ में ही जो मैंने मीठी वाली चटनी बनाई थी टमाटो के गुदे से उसे डाला है। साथ में मैंने पतला वाला सेव डाल दिया है, और अब मैंने मसालेदार पीनट्स डाल दिए हैं। ये सब आपके ऊपर है, अगर आपके पास पापड़ी है तो पापड़ी अवश्य डालें, इसके ऊपर पापड़ी बहुत ही अच्छे जाते हैं। और अब मैंने थोड़ा सा और अनियन डालने के बाद चटनी डाला है, और अगर आप काला नमक वगैरह टेस्ट कर लें तो उसे भी ऊपर से थोड़ा सा डाल सकते हैं। हमारे चाट तैयार हैं। देखिए मेरे मज़ेदार टेस्टी गर्मा गर्म चाट बिल्कुल रेडी टू सर्व है। सर्दी के मौसम में टमाटर के चाट को अवश्य बनाइए, क्योंकि अभी टमाटर बहुत अच्छे आते हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, बाय बाय।